आइए बच्चों, आज करेंगे हम लोग 7.4 सातवें का पांचवा प्रश्न। प्रश्न क्या है पढ़िए जरा आप। यदि ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू और सी एक्स थ्री वाई थ्री त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, बैठ जाइए। यहाँ पर बच्चों कोई त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और जिसके शीर्षों के निर्देशांक एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। केंद्रक बच्चों क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और संगमन बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक की एक खासियत ये भी है कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला की मदद से केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे। जनरली केंद्रक को जी से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको सेंट्रोइड कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन माध्यिकाओं के जो अंत बिंदु हैं इनके निर्देशांक निकालने होंगे। तो मान लीजिए त्रिभुज को ए बी सी है, इसका मध्य बिंदु बी सी का डी और ई और ये मान लीजिए हमने एफ ले लिया। यहाँ पर माध्यिका क्या होती है उसको भी समझ लीजिए। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है और तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं वह कहलाता है केंद्रक। और अब हमें केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें जी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं माध्यिका ए डी की सहायता से, तो हम क्या करेंगे? पहले डी के निर्देशांक निकालेंगे और डी के निर्देशांक जब आ जाएंगे तो ए जी बटे जी डी 2:1 है, अर्थात जी के लिए अनुपात 2:1 आ जाएगा। फिर विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला की मदद से जी के निर्देशांक आ जाएंगे। करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। तो बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स वन की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स टू, और एक्स टू की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स थ्री। तो ये डी के निर्देशांक में भुज क्या आ जाएगा अर्थात एब्सिसा क्या आ जाएगा? एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, और ऑर्डिनेट अर्थात कोटि क्या आ जाएगी? वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो वाई वन की जगह बच्चों खुद वाई टू लिखा हुआ है और वाई टू की जगह लिखा हुआ है वाई थ्री बटे दो। तो ये हमारे पास किसके निर्देशांक आ गए बच्चों? बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। हमें निकालने किसके? जी के, केंद्रक जी है, जी के निर्देशांक निकालने हैं। तो एक बार हम ए डी को फिर से पुनः यहाँ बना रहे हैं जिससे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर बच्चों ए के निर्देशांक क्या हैं? एक्स वन कॉमा वाई वन, और यहाँ पर कहीं कोई बिंदु जी है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, और अभी अभी हमने डी के निर्देशांक निकाले हैं बच्चों। बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक अभी ठीक निकाले हैं। तो डी के निर्देशांक क्या है? ये एक्स टू धन एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू कॉमा वाई टू प्लस y3 अपॉन टू। ये कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया ना? भाई किसी भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक यही तो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन टू और y1 प्लस y2 अपॉन टू। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था सेक्शन फार्मूला में, m और n की वैल्यू एक रख दी थी, याद है सभी को? चलिए तो अब हम g के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो g AD को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बच्चों? 2:1 में। ये बात हमें पता है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब G के निर्देशांक निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये तो एक तरह से हो गया एक्स वन वाई वन, ये है पेंसिल से लिखेंगे इसको एक्स टू वाई टू, और ये है एम और एन। तो एक्स बराबर विभाजन सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन बराबर। अब आ जाइए जरा, एम का मान कितना है बच्चों? 2, और एक्स टू का मान कितना है? एक्स टू प्लस एक्स थ्री। तो यहाँ पर 2 × एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स टू प्लस एक्स थ्री। तो ये हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एन की जगह 1 है और एक्स वन की जगह क्या है? एक्स वन खुद है। तो यहाँ पर आ जाएगा धन का एक्स वन बटे एम प्लस एन, यानी 2 धन
एक, तो इसको जरा अरेंज करके लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि योगफल को हम क्रम का महत्व नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, योगफल को क्रम आगे लिख आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, ये आ गया बच्चों केंद्रक में भुज का मान, और अब कोटि का मान इसी प्रकार से निकालेंगे, तो y बराबर एम वाई टू धन एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो अब देखिए जरा m का मान बच्चों दो है, y2 का मान y2 प्लस y3 अपॉन टू है, यहाँ भी दो से दो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y3, उसके बाद धन एन वाई वन, एन का मान एक है, y1 का मान खुद y1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा y1 बटे m प्लस एन, तो m प्लस एन का मतलब दो धन एक अर्थात तीन। तो इस दशा में y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन थ्री, ये केंद्रक की कोटि हो गई। तो केंद्रक के निर्देशांक आ गए हमारे पास, भुज और कोटि दोनों अर्थात केंद्रक के निर्देशांक आ गए। यही काम आप चाहे F को लेके करते तो भी वही बात है, तो भी BF आप निकालते हैं अगर तो F के निर्देशांक आ जाते हैं x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। फिर G के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, अनुपात दो अनुपात एक होता तो भी यही रिजल्ट आता, किसी के लिए भी यही रिजल्ट आएगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो अतः आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे, केंद्रक के निर्देशांक या केंद्रक बराबर क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस प्रकार से हम अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो तो उसका केंद्रक निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए धन्यवाद, बैठ जाइए।